तो ये रहा मेरा बर्गर किंग का चिकन हूपर, और अंदर क्या है, ये केचप। बट यार मेरा कोक एंड फ्राइज कहाँ है? शिट, मिसिंग। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू यू चैनल। और आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, हो सकता है कि मेरा बात कुछ लोगों को पसंद ना आए और कुछ लोग शायद मेरे बात से रिलेट करें कि शायद उनके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो। बट आज मैं जो बोलूँगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप लोग थोड़ा टाइम देकर पूरा देखना और ईयरफोन लगा लो, ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों को काफ़ी क्लियर आए। क्योंकि माइक को लेकर भी काफ़ी सारे कंप्लेन है कि आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ एक अच्छा माइक लेने का, तो ऑडियो क्वालिटी उसके बाद शायद बेटर हो। लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक ईयरफोन ले लो और वीडियो को पूरा देखना, और उसके बाद आप लोग थोड़ा अपना भी, खुद का भी दिमाग लगाना। उसके बाद जो कमेंट करना हो नीचे में कमेंट करना। बट ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, उस पर मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाऊँगा, बट अभी इधर उधर के वीडियो में मैं काफ़ी बिजी हो जा रहा था, बट नहीं बना पा रहा था। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ था। एक्चुअली कुछ दिन पहले जो मैं हैदराबाद गया था, आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने हैदराबाद से मतलब काफ़ी सारे वीडियो निकाले, और वहाँ पे मैं बंजारा हिल में रुका हुआ था। तो बेसिकली मैं वहाँ पे जो मेरा मेन कंपैरिजन था बर्गर किंग मैकडोनल्ड्स, उसी के लिए गया हुआ था, और साथ में काफ़ी सारे मैंने वीडियो शूट किए वहाँ पे। तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि जो मेरा बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड्स वाला वीडियो था, तो मैंने सोचा था कि मैं मील का कंपैरिजन करूँगा, दोनों का मैं मील मंगाता हूँ, जो मील में एक बर्गर और एक फ्राइज और एक कोक या पेप्सी रहता है, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स का तो मैंने खैर मैकडोनल्ड्स के ऐप से कर लिया, और बर्गर किंग का मैंने फ़ोन से जोमेटो से किया, क्योंकि बर्गर किंग का ऐसा कोई अपना ऐप नहीं था जिससे मैं ऑर्डर कर सकता था। तो ये देख लो, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं। तो ये जो मेरा बर्गर किंग का कॉम्बो था, इसमें एक किंग फ्राइज था एंड अ लार्ज पेप्सी कैन, और एक कैन भी था। तो बस मैं इन दोनों का वेट करने लगा, तो मेरा ऑर्डर करने के ठीक 20 मिनट बाद ही मैकडोनल्ड्स का जो मेरा मील था वो मेरे पास आ गया। बट बर्गर किंग तो मैंने जोमेटो के थ्रू ऑर्डर किया था, तो ये आने में ऑलमोस्ट 55 से 60 मिनट, मतलब समझो ऑलमोस्ट 1 आवर तो लग ही गया। तो खैर कोई नहीं, आ तो गया, वही बहुत बड़ी बात था मेरे पास। तो वो आने के बाद मेरे को पैकेट देखकर लगा काफ़ी हल्का लग रहा था, मैं बोला यार इसमें मतलब ऑलरेडी हूपर का साइज ही इतना बड़ा रहता है, तो यहाँ पे पेप्सी का रखा हुआ कैन, मेरे को लगा कैन है, तो कभी कभी कैन गर्म ही हो जाता है, गर्म ही मतलब डाल दिया जाता है, उसको ठंडा भी नहीं दिया जाता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, तो मैं सोचा इसके अंदर में होगा फ्राइज़ वगैरह, वो मैं खोलूँगा। और उस समय काफ़ी चीज़ मेरे माइंड में भी चल रहा था, तो मैं उतना उस पर फोकस ही नहीं किया कि उसमें होगा या नहीं। तो उसके बाद का क्या हुआ, आप लोग ये वीडियो देख लो जो मैंने हैदराबाद में शूट किया था। तो यहाँ पे मैंने मैकडोनल्ड्स के मील को बाहर निकाल लिया है, मैं जल्दी से बर्गर किंग के मील को बाहर निकालता हूँ। बट यार ये काफ़ी हल्का लग रहा है ये जो पाउच है, पता नहीं क्यों। तो ये रहा मेरा बर्गर किंग का चिकन हूपर, और ये मेरा कोक एंड फ्राइज़ का है, ये तो केचप। शिट, कोक एंड फ्राइज़ मिसिंग है, जबकि ये देखो मैंने यहाँ पे कोक एंड फ्राइज़ भी ऑर्डर किया था साथ में। तो यहाँ पे एक छोटा सा पंगा हो गया है कि मैंने जोमेटो से जो बर्गर किंग का कॉम्बो ऑर्डर किया था, मेरे को बस बर्गर किंग का चिकन ऊपर मिला है, और कॉम्बो में जो किंग फ्राइज एंड कोक था वो नहीं मिला है। पता नहीं जोमेटो अपना ये सर्विस को कब ठीक करेगा, और इससे पहले भी मेरे साथ ये 2 बार ये प्रॉब्लम हो चुका है, बट मैंने कभी जिक्र नहीं किया। बट यहाँ पे देखो मैंने मैकडोनल्ड्स का ऑर्डर कर लिया था, फिर वापस से मेरे को ये करना होगा। तो यार खैर कोई नहीं, मेरे पास तो चिकन ऊपर है और मैं महाराजा मैक को ही दोनों को कंपैरिजन कर देता हूँ, आखिर मेन कंपैरिजन तो बर्गर पे ही था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरा कुछ आइटम मिसिंग था, और आप में से अभी काफ़ी लोग कमेंट करोगे कि भाई जोमेटो का सिर्फ काम होता है आपका के मील को आपके पास तक पहुँचाना, और यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों की ही गलती होगी। तो सेम इसी तरह का थॉट मैं भी रखा था, इसलिए मैं फटाफट वीडियो शूट कंप्लीट करते ही, क्योंकि मेरे को वीडियो शूट करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि मैं वहाँ पे एक दिन में तीन तीन चार चार वीडियो शूट करता था, क्योंकि मैं वहाँ शूटिंग करने के लिए गया था। तो इसलिए मैं फटाफट शूट कम्प्लीट करके मैं वो जो बर्गर किंग का बिल था उसमें से फटाफट मैंने बर्गर किंग का नंबर निकाला, बर्गर किंग को कॉल किया। तो बर्गर किंग को कॉल करने के बाद मैंने बोला कि मेरा ये आइटम था जो मैंने जोमेटो के थ्रू ऑर्डर किया था, मेरे को ये आइटम नहीं मिला है, तो ऐसा
ऐसा क्यों? तो उन लोगों ने मेरा आईडी, ऑर्डर आईडी जो था वो पूछा, मेरा नाम पूछा, मेरा फ़ोन नंबर पूछा। उसके बाद उन लोगों ने मेरे को बताया कि मेरे स्क्रीन पे तो आपका बस चिकन ऊपर ही शो हो रहा है और कुछ ऐसा कॉम्बो तो शो हो नहीं रहा है। तो मैं तो यार डाउट पे आ गया कि मैं क्या करूँ। मैंने बोला एक सेकंड आप लाइन पे रहिए, मैं चेक करता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो मैं वापस से जब चेक किया तो मैंने देखा कि मैंने कॉम्बो ऐड किया है और उसके लिए मैंने पेड भी किया है कुछ एक्स्ट्रा पैसा। तो उन लोगों से मैंने बताया कि नहीं मैंने तो ऑर्डर किया है, आप लोगों क्यों? तो बोला सर तब एक ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आप एक बार जोमेटो से कॉल पे बात कर लीजिए, जोमेटो को कॉल करके बात कर लीजिए, शायद उन लोगों को पता हो, बट हमारे यहाँ तो यही शो हो रहा है। तो मैं बोला कि ठीक है मैं एक बार जोमेटो से भी बात कर लेता हूँ। फिर उनका कॉल कट करने के बाद मैं जोमेटो के ऐप में आया और जोमेटो के ऐप में आने के बाद मैं जोमेटो का नंबर ढूंढने लगा और जोमेटो का नंबर तो कहीं मिला नहीं मुझे। और मैं काफ़ी ढूंढने के बाद मेरे को चैट सपोर्ट मिला जो कि जोमेटो का हेल्पलाइन की तरह है। आपका वो चैट सपोर्ट मतलब आदमी इमरजेंसी में हो तो वो आपको चैट सपोर्ट के थ्रू समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और आपको भी अपना प्रॉब्लम चैट के थ्रू समझाना होगा, कॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग इस पे ज़रूर कमेंट करना कि ये मतलब जोमेटो का चैट सपोर्ट कभी यूज़ किया हो कि नहीं। मैं भी अपना एक्सपीरियंस अभी बताता हूँ। तो चैट सपोर्ट काफ़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद मैंने जोमेटो से जो चैट किया, ऊपर पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ तो देख लेना, तो इसको पॉज करके आप पढ़ भी सकते हो। तो फाइनली जोमेटो से चैट वगैरह करने के बाद लास्ट में जोमेटो ने अपनी गलती मानी कि कुछ मिस्टेक हो गया था उनसे। उसके बाद उन लोगों ने मेरे क्रेडिट में, जोमेटो क्रेडिट में 47 या फिर 40, ये देख लो स्क्रीनशॉट में आ रहा होगा, तो वो मेरे को जोमेटो क्रेडिट में मिला इतना पैसा। तो अब आप में से काफ़ी लोग कमेंट करोगे कि भाई तेरे को तो तेरा पैसा मिल ही गया तो उसके बाद इतना बात को इतना बड़ा क्यों कर रहा है। तो मैं बता दूं, अगर आप सपोज़ करो डोमिनोज गए हो और डोमिनोज में आप चार फ्रेंड गए हो और डोमिनोज के काउंटर में जाके आप एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को चार लोगों के साथ खाना है, ठीक है। और डोमिनोज क्या करता है, आपको एक स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा दे देता है और आप जब जाते हो काउंटर में वापस कंप्लेन करने के लिए कि मैंने तो लार्ज ऑर्डर किया था यहाँ पे स्मॉल क्यों आया, तो डोमिनोज आपको बोलता है कि ठीक है हमसे गलती हो गया, मैं आपका जो पैसा है हम लोग के काउंटर में जमा रखता हूँ, जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं आपको उसी पैसा को ऐड करके कोई और पिज़्ज़ा दे दूँगा। आप मेरा कहने का मतलब समझे या नहीं समझे तो मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। जो मेरे को मेरा जो पैसा मिलना चाहिए था वो मेरा पैसा था, ऑलराइट। तो वो पैसा मेरे को रिफ़ंड मेरे अकाउंट में होना चाहिए था क्योंकि मेरा जो पैसा कटा था वो मेरा अकाउंट से कटा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को जो मेरा पैसा रिफ़ंड हुआ वो जोमेटो के क्रेडिट में ही रिफ़ंड हुआ। इसका मतलब ये है कि उस पैसा को मैं कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता, उस पैसा को मैं वापस से जब मैं जोमेटो के थ्रू कुछ ऑर्डर करूँगा तभी यूज़ कर सकता हूँ। और ऊपर से बस यही नहीं उसमें टाइम लिमिट भी है। आपको इस पैसा को 7 दिन में, 25 तारीख के अंदर, 28 तारीख के अंदर, इसके अंदर आपको ख़त्म करना है। मतलब मेरे को एक बात आप लोग समझाओ, पैसा मेरा, मैंने ऑर्डर किया, मैंने 45 से 50 मिनट वेट किया, मेरा पैसा मतलब मेरा ऑर्डर पूरा आया नहीं, ऊपर से मेरा पैसा को भी जब्त कर लिया गया और मेरे को टाइम लिमिट भी दे दिया गया है कि इसके अंदर आपको ऑर्डर करना है, तो क्या है? मतलब ये मेरे को नहीं समझ में आया। मतलब इतना कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि आपका ही पैसा, आपको खुद ही का मतलब फ्रीडम ना हो कि आपको कब यूज़ करना है नहीं करना है। वो मेरा पैसा था, आप मेरे को मेरा आइटम नहीं दे सके तो मेरा पैसा वापस कर दो, मेरे को मेरे अकाउंट में रिफ़ंड कर दो। ये जोमेटो के क्रेडिट में रिफ़ंड करने का क्या मतलब है? आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ को लेकर आप लोग क्या सोचते हो। और जोमेटो का जो कॉल सपोर्ट नहीं है, वो चैट सपोर्ट है, आप लोग कितना मतलब वो फ्लेक्सिबल है और कितना यूज़र फ्रेंडली है ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। तो मैं ऊपर में आई बटन में एक पोल क्रिएट कर दूंगा कि आप लोग चाहते हो कि नहीं जोमेटो के ऐप में कॉल सपोर्ट या फिर चैट सपोर्ट, आप लोग वोट कर देना ऊपर में जाके कि अगर जोमेटो का कोई बंदा देख रहा हो तो शायद कुछ काम करे, क्योंकि यार ये मेरे को काफ़ी बुरा लगा। और आप में से भी अब काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट करोगे, काफ़ी लोग बिना बात को समझे, वेट अ मिनट, काफ़ी लोग
काफ़ी लोग बिना बात को समझे कमेंट करेंगे कि भाई जोमेटो के डिलीवरी बॉय इतना मेहनत करते हैं वगैरह वगैरह, तू ऐसा बोल रहा है। भाई मैं यहाँ पे जोमेटो के किसी भी डिलीवरी बॉय को कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे जोमेटो के सिस्टम और जोमेटो के चैट सपोर्ट जो है उसको लेकर बात कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। और यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे बस 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ का बात है, इतना बड़ा बात बना रहा है। तो बात यहाँ पे सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम जोमेटो यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी एजेड लोग होंगे, आप लोगों की भी मम्मी होंगी, पापा होंगे, मतलब दादा दादी बहुत लोग होंगे जो इस चीज़ को अभी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अभी ये जो जोमेटो स्विगी उबर इट्स ये सब अभी काफ़ी मतलब फैल गया है और काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो अगर उन लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता होगा तो अब हर कोई तो चैट मतलब करके समझाएगा नहीं अपना प्रॉब्लम, तो वो क्या करेगा, सिंपली छोड़ देगा, बोले छोड़ो ठीक है 40 रुपये ही ना गया जाने दो। तो इससे सोचो यार, मतलब आप कितना पैसा मतलब अपना ये कर रहे हो, उन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है अभी फालतू का पैसा का। आपका जो 10 रुपये से 20 रुपये भी होता है वो भी फोकट का नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से आपने मेहनत किया है तभी आया है। आप बच्चे हो अभी कमाते नहीं हो, तो आप अपने पापा या मम्मी से लेते हो जो भी पैसा लेते हो, 50 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, तो आपको तो फोकट में मिला है क्योंकि आपने अपने पापा से लिया है। बट आप अपने जाके पापा या फिर मम्मी से पूछना, वो तो उनको फोकट में मिला नहीं होगा, उन लोगों ने उस चीज़ के लिए मेहनत किया तभी मिला है। तो मेरे लिए यार 40 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो बस वही बात है, और वो मेरा पैसा मेरा अकाउंट में रिफ़ंड ना हो के जोमेटो के क्रेडिट में रिफ़ंड हुआ, तो ये मेरे को काफ़ी बुरा लगा। क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता, वो मेरा पैसा था, मैं उसको जहाँ भी यूज़ कर सकूँ, लेकिन वो क्रेडिट में दिया गया। तो बस यही बात है, यहाँ पे मैं जोमेटो के सिस्टम का बात कर रहा हूँ, जोमेटो के ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय जो भी है वो ऑफेंड मत होना, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बस यही था आज का मेरा ये वीडियो, और वीडियो में अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम था और मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम आप में से भी किसी के साथ हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा, तो इसलिए मैं बना दिया। तो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ कमेंट में जो भी हो अपना थॉट बता देना कि आप क्या लगता है क्या नहीं, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है। तो बस मैं वीडियो को ये एंड करता हूँ, वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके चलो बाय।